लेटेस्ट मोबाइल फोन्स के रिव्यूज़ जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लेटेस्ट अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली और आप देख रहे हैं मोबाइल वर्ल्ड। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि हमारे पास हैंडसेट है, वो है दोस्तों सैमसंग का ग्रैंड प्राइम प्रो। और आज हम इस हैंडसेट का रिव्यू करेंगे कि देखते हैं कि इस हैंडसेट में हमें क्या चीज़ें मिलती है और क्या ये हैंडसेट है जिस प्राइस पे सैमसंग वालों ने दिया है उस प्राइस के हिसाब से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज इस हैंडसेट का रिव्यू। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके सैमसंग के स्पेक्स को देखते हैं। तो दोस्तों हमें जो स्पेक्स है सैमसंग में मिलते हैं वो है दोस्तों 5 इंच का डिस्प्ले मिलता है, सुपर अमोल्ड डिस्प्ले मिलता है सैमसंग में हमें। और इसके अलावा रैम और रोम को देखें तो दोस्तों वो हमें मिलती है 1.5 GB की रैम मिलती है। मैंने समझा था कि इसमें 2 GB रैम है लेकिन नहीं, सैमसंग में हमें 1.5 GB की रैम मिलती है। और रोम जो हमें मिलता है वो है 16 GB का रोम है सैमसंग में हमें मिलता है दोस्तों। और इसके अलावा हम इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो दोस्तों वो हमें मिलता है 1.4 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है। स्नैपड्रैगन 425 की चिपसेट इस्तेमाल की गई है सैमसंग में। और इसके अलावा दोस्तों हम इसके कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें हमें जो कैमरा मिलता है वो है 8 MP इसका बैक कैमरा मिलता है सैमसंग में हमें, और 5 MP इसका फ्रंट कैमरा मिलता है। और दोनों तरफ ही कैमरा के हमें फ्लैश LED लाइट मिलती है दोस्तों। ये थे सैमसंग के स्पेक्स। और इसके अलावा इसमें जो हमें बैटरी मिलती है वो है दोस्तों 2600 mAh सैमसंग की बैटरी। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले हम इसके कैमरा की तरफ चलते हैं और इसका कैमरा देखें कि इसके कैमरा में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों ये मैंने इसका कैमरा ऑन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपर साइड में इसकी हमें 3 फंक्शंस, यहाँ पे कैमरा चेंज कर सकते हैं और यहाँ ये इसकी स्क्रीन साइज़। और इसके अलावा सेटिंग में चले तो सेटिंग में हमें आप देख सकते हैं कि पिक्चर साइज़, वीडियो साइज़, टाइमर और पिक्चर्स वीडियो साइज जो भी सेट करना चाहें। और इसके अलावा सेव एज सेव पिक्चर एज ए प्रीव्यूड, क्योंकि सबसे पहले इसको अगर आप ऑन करेंगे तो ये आपको पिक्चर खींचने के बाद शो करेगा। और इसके अलावा टाइमर, ग्रिड लाइंस और रिव्यू पिक्चर्स और क्विक लॉन्च फ्लोटिंग कैमरा बटन। दोस्तों इसको ऑन करने से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और बटन आ जाएगा, ये इसका कैमरा, और इससे आप तस्वीर खींच सकते हैं इसे इस बटन के ज़रिए। और यहाँ पे भी है लेकिन ये अलग से आ जाएगा इसको ऑन करने से, जो मैंने आपको बताया कि ये ऑप्शन। और अब हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हमें मिलती है वॉल्यूम कीज़ की फंक्शन से, यहाँ से आप तस्वीरें ले सकते हैं और जूम वगैरह और वीडियो रिकॉर्ड का ऑप्शन भी रख सकते हैं, जहाँ पे भी आप जिस पे भी आप रखना चाहें वो सेट कर सकते हैं। और रीसेट सेटिंग और कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन हमें मिलता है। और इसके अलावा हमें इसमें कुछ ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इफ़ेक्ट मिलते हैं। अब यहाँ पे डीप फोड़े और क्रीम और डीप और क्रीम का इफ़ेक्ट हमें मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे सेटिंग में चले तो यहाँ पे आप लाइट वगैरह सेट कर सकते हैं सर, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ही यहाँ पे आप दिखाई दे रही है कैमरा में। और इसके अलावा दोस्तों मैंने सैमसंग में कुछ तस्वीरें निकाल ली हैं अपनी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसी है सैमसंग की रिज़ल्ट। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इसके बैक कैमरा की रिज़ल्ट है विथ फ्लैश, मैंने इसकी निकाली है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। मैंने सैमसंग में ये तस्वीर निकाली है बैक कैमरा की, और ये भी इसके बैक कैमरा की विथ फ्लैश है, और ये भी इसके बैक कैमरा की विथ फ्लैश मैंने निकाली है सैमसंग की तस्वीर। और दोस्तों यहाँ पे ये भी इसके बैक कैमरा के लेकिन फ्लैश के बगैर। और ये इसके फ्रंट कैमरा के रिज़ल्ट है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों बिल्कुल ही ब्यूटी मोड दिया हुआ है जैसे इन्होंने, एक इफेक्ट लाइट का हमें मिलता है इसकी सेल्फी में, लेकिन ये मैंने नाइट मोड में निकाली है। अगर दिन में लेंगी तो बिल्कुल ही अच्छी सेल्फी हमें सेंसर में मिल सकती है। और ये देख सकते हैं आप दोस्तों मैंने इसके फ्रंट कैमरा की ये तस्वीरें कुछ निकाली है इसमें, ये इसके फ्रंट कैमरा के रिज़ल्ट है आप देख सकते हैं दोस्तों। ये थे इसकी कैमरा की रिज़ल्ट। और अब आइए हम इसके गेम्स की तरफ चलते हैं और इसमें देखें कि बैटरी टाइमिंग हमें सैमसंग में कितनी मिलती है, गेम्स का भी रिव्यू हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें एस्फॉल्ट एट खेलते हैं और देखें कि कैसे ये सैमसंग में गेम चलती है, और अगर देखें कि ये लेग करती है या नहीं। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक राउंड स्टार्ट करता हूँ और खेलते हैं हम।
दोस्तों ये हो गई स्टार्ट हो रही है गेम। और दोस्तों इसकी हमें जो कलर्स हमें हेडसेट की एलसेट की मिलते हैं वो बिल्कुल ही सुपर मोल्ड डिस्प्ले की तरह यानी देखें तो कलर्स हमें अच्छे मिलते हैं। और ये स्टार्ट हो तो देखें बिल्कुल ही सही चल रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने इसका साउंड भी ऑन रखा हुआ है ये देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल ही अच्छे तरीके से इसमें हमें ये गेम चल रही है एसफॉल्ट। और ये देख सकते हैं दोस्तों कहीं भी लेग नहीं कर रही है ये गेम। ये दोस्तों तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी गेम ये चल रही है कहीं भी लैग नहीं कर रही है ये गेम आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हो गई कंप्लीट और अब आइए हम सेकंड गेम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो कैसे चलती है इसमें। तो दोस्तों दोस्तों ये हो गई ख़त्म और उसके अलावा हमारे पास दूसरी गेम जो है वो है दोस्तों दूसरी जो गेम पड़ी है वो है हमारे पास रेसिंग फीवर मोटो। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये लोड हो जाए तो उसके बाद हम खेलते हैं ये चल रही है अब तो हम खेलते हैं इसको और देखेंगे। तो ये एक्सीडेंट हो गया ओहो तो ये थोड़ी मुझसे खेली नहीं जा रही क्योंकि मैंने इस गेम को पहले कभी खेला नहीं हुआ तो मुश्किल हो रही है खेलने में मुझे भी। दोस्तों इस गेम में हमने लूज़ कर लिया है तो उसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें कौन सी गेम हमें मिलती है और फिर हम खेलते हैं वो गेम। आइए और ये हो गई और इसके अलावा हमें इसमें मिलती है शेडो फाइट 2 तो दोस्तों ये भी हम खेलते हैं
और इस गेम को खेल के हम देखते हैं उसके बाद हम इसकी बैटरी। तो ये स्टार्ट हो रही है दोस्तों। ओहो, इसमें एक फाइल इंस्टॉल करना पड़ेगा लेटेस्ट वर्जन का, तो जब तक मैं इसको इंस्टॉल कर लूँ। दोस्तों ये गेम हो गई है स्टार्ट, अब आइए हम खेलते हैं। राउंड टू। दोस्तों ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने गेम खेली ये भी, और इसका हम एक और दोस्तों, अब आइए बैक चलते हैं। और ये गेम भी हमने खेली, और अब हम इसकी बैटरी देखें और इसका देखें कि हैंडसेट हीट खा रहा है या नहीं। दोस्तों बिल्कुल ही नहीं, ये हैंडसेट हीट नहीं खा रहा है अभी, क्योंकि अभी सर्दियां चल रही हैं, तो आपको भी मालूम है कि इतनी हीट नहीं खाती ये हैंडसेट। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी बैटरी के 83 इसकी बैटरी बाकी बची है, तो मैंने गेमिंग के लिए ऐसे इसका मैंने ज़्यादा बहुत ज़्यादा इतनी गेम भी नहीं खेली है इसमें, तो बैटरी थोड़ी लो हो गई है। तो बैटरी के हिसाब से ये हैंडसेट, अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन है गेम्स के, तो दोस्तों ये हैंडसेट गेमिंग के लिए इतना खास नहीं है। और दोस्तों हाँ, इसका कैमरा बिल्कुल ही आपको फ्रंट कैमरा जो मिलेगा वो बिल्कुल ही बेहतरीन है, लेकिन बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल इन्होंने लिखा है लेकिन है नहीं, क्योंकि इतनी खास रिजल्ट नहीं मिलती हमें इसके बैक कैमरा के बैक कैमरा में, क्योंकि वो लाइट शेड छोड़ता है बहुत ही वाइट कलर का। और दोस्तों मेरे हिसाब से ये हैंडसेट इतनी प्राइस में, 19,500 की प्राइस में हमें ये पाकिस्तान में अंडर वारंटी में मिलता है, तो दोस्तों बहुत ही महंगा ये हैंडसेट है। और अदर ब्रांड्स में हमें ये हैंडसेट, अदर ब्रांड्स में बहुत अच्छे हैंडसेट हमें मिल जाएंगे इतनी प्राइस में आपको। दोस्तों मेरे हिसाब से ये हैंडसेट है इतना खास नहीं है, क्योंकि बहुत ही प्राइस इसकी सैमसंग वालों ने हैवी दी है दोस्तों। और आज का हमारा वीडियो यहीं तक था, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको पता चल सके। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।